अल्टीमेट हीरोज फैंटास्टिक फोर की फिल्म में सिल्वर सफर फीमेल होगा, इसको लेके हर कोई चिड़ा हुआ है, यानी कोई खुश तो नहीं है। एमसीयू उसकी मम्मी सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहा है, यानी वर्क स्ट्रेटेजी जहां मेल सुपर हीरो या विलन को फीमेल से रिप्लेस करना। खैर, एमसीयू का इस डिसीजन से तो मैं अभी खुश हूँ, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जबकि मार्वल खुद ही ऐसा हॉट लड़की को नेकेड दिखाना चाहता है। भावनाओं में ना बहते हुए लेट्स टॉक अबाउट अपकमिंग एमसीयू की फैंटास्टिक फोर फिल्म। अल्टरनेट टाइमलाइन में बेस होगा एंड इसकी यूनिवर्स भी एमसीयू से अलग है। मार्वल इससे पहले भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अर्थ 838 को अलग तरह से रिप्रेजेंट किया था। इस मूवी में भी ठीक ऐसा ही बिल्कुल अलग तरह से रिप्रेजेंट होगा, जो हमें इस प्रोमो आर्ट से पता चलता है। As we know, ये फिल्म 60s की टाइमलाइन में होगा, जो राइगन गॉटिक यानी 60s की सब कुछ होगा बट मॉडर्न टाइम में बेस होगा। ऐसा यूनिवर्स को देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मैं कह रहा था, हम लोग फीमेल सिल्वर सफर को देखेंगे, जिसके लिए जूलिया गार्नर को कास्ट किया है। सेपरेट यूनिवर्स सो ये ठीक भी है। नॉरन रेड की जगह साला बेल सिल्वर सफर, कॉमिक में नॉरन रेड की फर्स्ट लव साला बेल, बट अल्टरनेट टाइमलाइन में डेट्स मीन अर्थ X997 में साला बेल सिल्वर सफर है। शायद अल्टरनेट टाइमलाइन में सिल्वर सफर फीमेल होने के कारण एमसीयू भी नॉरन रेड की जगह साला बेल की सिल्वर सफर को चुना है। कुड बी पॉसिबल एमसीयू में ओरिजिनल सिल्वर सफर एग्जिस्ट कर सकता है एंड ये मूवी नॉट ओनली मेल को फीमेल करेगी, साथ ही इस यूनिवर्स में रीड का शादी भी हो गया है और एक बच्चा भी पैदा कर लिया, जो वैलेरिया रिचर्ड। फ्रैंकलिन मूवी की स्टार्टिंग से अंत तक स्वीकिश कोक में रहेगा, विच मीन्स मूवी की एंड में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स स्पेस में जन्म लेगा, जिसके बारे में आगे बात किया हूँ। इस यूनिवर्स का फैंटास्टिक फोर की फैमिली फ्यूचर फाउंडेशन का मेंबर भी है। इस फाउंडेशन में कौन है पता है? डॉक्टर डूम एंड स्पाइडरमैन जैसा कैरेक्टर। एस मार्वल फैंस नो, फ्यूचर फाउंडेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में। फ्यूचर फाउंडेशन और राफ्ट नहीं बनाता तो कोई भी फाइनल इंकर्सन को सर्वाइव नहीं कर पाता। सिल्वर सफर जब होगा तो गैलेक्टस भी होना मांगता है। मोस्ट प्रोबेबली सिल्वर सफर जब अर्थ पे आएगा तो उस टाइम फैंटास्टिक फोर उसे डिफीट नहीं कर पाएगा, जस्ट लाइक 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म जैसा, आपको तो याद ही है। तो फ्यूचर फाउंडेशन की कुछ मेंबर्स वो राफ्ट क्रिएट करेगी, जिससे कि अर्थ डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो लोग सर्वाइव कर जाए। फिर गैलेक्टस जब अर्थ को खाने के लिए आएगा और फैंटास्टिक फोर की मेंबर्स पूरा कोशिश करने के बावजूद भी खुद के अर्थ को बचा नहीं पाएगा, फाइनली वो सब उस राफ्ट से जो उन सबके नजदीकी लोग है लाइक डॉक्टर डूम। बाद में समझ जाओगे मैंने इसका नाम क्यों लिया। बैक टू टॉपिक, इन सबको लेके दूसरे किसी प्लैनेट को ढूंढने के लिए निकल जाएगा और हेक्सागोनल जंप पॉइंट लाइक के द मार्वल्स में जैसे हम देखे थे, बिल्कुल ऐसा ही कुछ खुल जाए तो उस जगह से एमसीयू के यूनिवर्स में आ जाए, सेम जैसा मोनिका एक्समैन की यूनिवर्स में आ गई थी। इससे अच्छा क्या होगा एमसीयू की टाइमलाइन में आने का? खैर, पॉसिबिलिटी बहुत सारा है। एस वी नो, एमसीयू हाल ही में कैरेक्टर्स की ओरिजिन को चेंज कर रहा है। प्राइम एग्जाम्पल के लिए नेमोर, मोनिका एंड मिस मार्वल जैसा बहुत सारे कैरेक्टर्स है। फ्रैंकलिन का भी ओरिजिन शायद चेंज हो। जैसे मैं कह रहा था, फ्रैंकलिन रिचर्ड इस मूवी की एंड में जन्म लेगा, तो कुछ देर पहले जो कहा राफ्ट से हमारा एमसीयू में आने का टाइम जब हेक्साकोनल जंप पॉइंट से गुजरेगा, उस टाइम कॉस्मिक इंटरफेरेंस के कारण फ्रैंकलिन के अंदर कुछ रियलिटी मैनिपुलेशन और रियलिटी को अल्टर करने की पावर्स आ जाए, जो आगे चल के सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नया यूनिवर्स बनने के लिए। एंड डॉक्टर डूम को भी मार्वल इस मूवी में अच्छे से सेटअप कर सकती है। आप सोच रहे हो कैसे? देखो, जैसे मैं कहा, फ्यूचर फाउंडेशन की मेंबर्स डॉक्टर डूम भी है और डॉक्टर डूम एंड रीड बेस्ट फ्रेंड थी अंटिल जब तक ना एक्सीडेंट हुआ था जिससे उन सबको पावर मिला। तो कैसे भी डॉक्टर डूम एंड रीड की फ्रेंडशिप इस मूवी में भी शायद दिखी, एटलीस्ट फाइनल तक। और एंड में एमसीयू में आने के टाइम राफ्ट में कुछ ऐसा हो जिससे रीड एंड डॉक्टर डूम एग्री ना करे और डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के किसी भी ब्रांच पे खो जाए, लाइक एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया फिल्म में जैसे एंट्स एंड स्कॉट्स की फैमिली एक साथ ही गिरा था मगर अलग अलग टाइम में, सदियों किसी क्वांटम रेल में रहने के कारण वो सब एंट्स इवॉल्व हुआ और कैंग को पेल दिया लाइक डैट। सेम ऐसा ही चीज हमें भी देखने मिल जाए जहाँ डॉक्टर डूम दूसरे किसी टाइमलाइन में जाके उस जगह का गॉड एम्पायर डूम बन गया है, लाइक कॉमिक जैसी। बस दिल को ठंडक मिल जाएगा। अगर ये चीज हुआ तो डॉक्टर डूम को इजिली कैंग से रिप्लेस कर सकता है मार्वल विदाउट ओरिजिन सेटअप। समय के साथ उसको थोड़ा एक्सप्लोर भी कर देना और थोड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव दे देना, जैसे कि इनकर्सन को रोकने से अच्छा इनकर्सन को होने देना एंड उससे फाइनली जो निकलेगा यानी बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करना। तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। एमसीयू से गुजारिश यही है, डॉक्टर डूम को लड़की मत दिखाओ। ये तो मेरा थ्योरी था, आपको क्या लगता है वो कमेंट में बताओ। मार्वल डीसी के
अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड ऑल हॉलीवुड मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।